केंद्र सरकार का बजट पेश किया गया है। इस बजट में मध्य प्रदेश को कोई बड़ी सौगात नहीं दी गई है। इसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए झुंझुना बजाकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने जब से बजट पेश किया है तब से कांग्रेसी नेता बौखला गए हैं। इस बजट में भी मध्य प्रदेश को कोई बड़ी सौगात नहीं मिली है, ऐसा कांग्रेसियों का कहना है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ झुंझुना बजाकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अमित शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने 29 की 29 सीटें केंद्र सरकार को दी हैं। इसमें से एक सीट भी कम हो जाती तो ये बैसाखी की सरकार नहीं बन पाती। फिर भी मध्य प्रदेश की जनता से केंद्र सरकार ने छल किया है। लाडली बहनों को 3,000 देने का प्रावधान था लेकिन वो नहीं दिया गया और किसानों के लिए भी कोई खास प्रावधान नहीं लाया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बजट में पुनः विचार करें और मध्य प्रदेश को 1,00,000 करोड़ का पैकेज दें। मध्य प्रदेश की जनता ने 29 के 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत कर मोदी जी की झोली में दी। अगर 29 सीटें कम हो जाती तो ये बैसाखी की सरकार भी नहीं बन पाती। ऐसा लग रहा था कि किसानों को, करोड़ों नौजवानों को, बेरोजगार जो घर बैठे हैं, जो पकोड़ा तलने की बात पहले प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार करती आई, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि करोड़ों रोजगार मिलने वाले हैं नौजवानों को। किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। आज हम प्रधानमंत्री आवास की बात करें, किसानों के अधिकार की बात करें, महिलाओं के अधिकार की बात करें, और ऐसा लग रहा था डबल इंजन की सरकार। आज से मध्य प्रदेश में मोदी जी अनाउंस करने वाले हैं कि महिला को 3,000 रुपये जो मध्य प्रदेश की सरकार ने वादा किया था वो दिया जाएगा। किसानों को 3100 रुपये धान का मूल्य का आज से लागू होगा। 2700 रुपये गेहूँ का मूल्य आज से लागू होगा। आत्महत्या ना करे किसान, इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए का जो कर्ज किसान पर है वो माफ करने का ऐलान आज होगा। लेकिन जब बजट आया तो सिर्फ ये झुंझुना दिखाई दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।